नमस्ते, मैं चैत्राली और आपका स्वागत है मेरे किचन में। और आज हम आलू भटूरा बनाएंगे। मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, दही, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर है, तेल, ये हरी मिर्च और धनिया है, आलू एक उबाल के लिया है, लाल मिर्च, नमक। अब हम पहले आटा लगा लेते हैं। मैंने इसमें आटे की क्वांटिटी कम रखी है, आप चाहे तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। नमक डाल दिया मैंने स्वाद अनुसार। तेल डालेंगे एक छोटा टेबलस्पून, दही एक टेबलस्पून डालेंगे हम। और हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसका आटा लगाएंगे। हम कुनकुने पानी से आटा लगा रहे हैं। इसको हम एक घंटे के लिए रख देंगे, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। आलू लिया है मैंने एक उबाल के, इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और ये हरा धनिया और हरी मिर्च डाली है मैंने थोड़ी सी। आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते तो मत डालिए। जीरा पाउडर और अमचूर पाउडर भी डाल दिया मैंने आधे छोटे चम्मच। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम चकले पे पूड़ी जैसा बेल के हम उसमें ही आलू का स्टफिंग भर देंगे और इसको अच्छे से बंद कर लेंगे। अब हम इसको ऐसे गोल गोल घुमाते हुए चारों तरफ फैलाना है और हल्के हाथ से बेलना है ताकि हमारा स्टफिंग बाहर ना आए। आप इसको सूखे आटे की सहायता से बेल सकते हैं। तब तक हम तेल गरम कर लेते हैं। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं भटूरे। आप जरूर बना कर देखिए, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। ये हमारा भटूरा बनकर तैयार है। हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। तेल अच्छे से गर्म करना है हमें ताकि हमारे भटूरे अच्छे से सीख जाए। ये देखिए ऐसे फूल गया है हमारा भटूरा और अच्छे से गोल्डन ब्राउन भी हो गया है। इसे चारों तरफ से सीखना है हमें अच्छे से। इसी तरह हम बाकी के भटूरे भी बेल लेते हैं। सभी भटूरों को हमें हाई फ्लेम पर ही तलना है। दिखने में भी कितना सुंदर लग रहा है हमारा आलू भटूरा और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट लगता है। बहुत ही आसान है इसको बनाना, फटाफट से बन जाती है ये डिश। आप चाहे तो गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हो, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो। हमारा आलू भटूरा बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।